हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन ओके काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि पूरा थ्योरी पार्ट है यानी अगला पूरा 20-25 मिनट थ्योरी 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 होगा सिंस थ्योरी है तो बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एमसीक्यू भी बन सकते हैं इसके ऊपर ओके सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद आवर लेक्चर और बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत एनर्जेटिकली आज बहुत एनर्जी है और हम लोगों को पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास में है तो हम लोग पूरे ताकत से पढ़ेंगे ओके okay? और फुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे ओके सो लेट लेटर्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ओके डायलैक्ट्रिक है क्या सबसे पहली बात आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेज और इंसुलेटिंग सब्सटेंसेज विच कैन बी यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाँ क्या काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना डायलैक्ट्रिक है क्या क्या है डायलैक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस ये कंडक्ट नहीं करते मतलब ये कंडक्टर्स नहीं है जो कंडक्टर नहीं होते वो हो, कौन होते हैं इंसुलेटर्स मतलब इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस है ना सर डेफिनेशन में देखो नो वॉटर डायलेक्ट्रिक्स डायलेक्ट्रिक्सिंग सब्सटेंसेज इंसुलेटिंग कैन बी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे है ना काफी इंटरेस्टिंग भाई ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहे है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं तो कैसे स्टोर कर रहे हैं हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट दिस इज बिकॉज व्हेन सच सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस गेट डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द मॉलिक्यूल्स डेवलप नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड दिस फेनोम इज कॉल्ड एस पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल अब ऐसा क्यों वो कैसे स्टोर कर पा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर कर पा रहे क्योंकि जब इन सब्सेंसेस को तुम कहां रखते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुमने उनको यहां रख दिया तो इनका क्या हुआ इनका यह हुआ कि इनके जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है वो डिस्प्लेस हो गए एक उधर एक उधर पॉजिटिव इधर चला गया निगेटिव इधर चला गया ओके okay. डिस्प्लेस हो गए वो एक इधर एक उधर और इस वजह से क्या हो गया कि जैसे एक साइड पॉजिटिव एक साइड साइडिव और हमको मालूम है कोई भी आइटम में जितना पॉजिटिव उतना negative. जितना पॉजिटिव उतना इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस मतलब क्या डेवलप हुआ दे डेवलप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्योंकि डायपोल ही बन गए नहीं तो क्या बन गई ये ये बन गए डायपोल एंड दिस ये दिसोमिन का नाम याद रखना पोलराइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं उनको okay, पोलराइज करना पड़ेगा हमको अब वो पोलराइज हो गए प्रोसेस का नाम पोलराइजेशन था और डायलैक्ट्रिक हो गए पोलराइज्ड और कैसे पोलराइज हुए वो बस थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कराया लोकलइज ने वही के वही लोकलाइज़ेशन ने वही के वही डिस्प्लेसमेंट कराया किसका कराया हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट चार्जेस का चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट कराया हम लोगों ने हाँ एग्जांपल क्या है इसके क्लास वैक्स वाटर वुड माइक आर आवर स्टोन ऐसे ही था मतलब इंसुलेटर्स याद रखो ना जो भी इंसुलेटर्स है वो सब एग्जांपल है ओके नाउ डाइइलेक्ट्रिक्स के प्रकार क्या है डाइइलेक्ट्रिक्स डायलेक्ट्रिक्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू पोलर डायलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स दो प्रकार है इसके पोलर डायलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक इनका डिफरेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे ओके तो ये थ्योरी पढ़ी इन थ्योरी समझ में आई सबको ओके तो ध्यान रखो इसको अच्छे से एकदम अच्छे से समझ लो एक एक, -एक पॉइंट है बोर्ड एग्जाम से याद करना पड़ेगा है ना लेकिन बहुत आसान है मतलब तुम अगर स्टोरी के जैसा याद रखोगे तो हो जाएगा ओके नेक्स्ट अरे भाई साहब कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अब पोलराइजेशन समझ में आया हमको कि जब भी एक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके अंदर के चार्जेस पॉजिटिव एक साइड में निगेटिव एक साइड में और वहां पर डायपोल मोमेंट डेवलप होगी वो डायपोल बन गया ना तो dip, जहां डायपोल है वहां डायपोल मोमेंट है तो डायपोल मोमेंट डेवलप होगी इस फिनोमिन को हम लोगों ने बोला पोलराइजेशन या फिर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ओके तो हम लोग एक बार डेफिनेशन देखेंगे सब्सटेंस इज वेन प्लेसड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस गेट डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द मॉलिक्यूल्स डेवलप नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोवमेंट दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल अब भी सेम स्टेटमेंट था मैंने कॉपी पेस्ट किया है थोड़ा <laughs> सा स्टेटमेंट बदला है मैंने क्योंकि डेफिनेशन ही वो है ना उसका कि जब भी कोई सब्सटेंस को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएंगे नेट डेवलप नेट डायपोल मोवमेंट डेवलप होंगी और ये एनमे को हम लोग पोलराइजेशन बोलेंगे ठीक है चलो इसकी नई डेफिनेशन पढ़ाता हूं अब मैं तुमको नया डेफिनेशन क्या है इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोलेंगे हम लोग इसको डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलेंगे ओके सो इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर पी एंड गिवन बाय वेक्टर पी से डिनोट किया ओके okay, एक काम करते हैं पहले वेक्टर पी है ना सॉरी 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 ये बुक ये सीईटी के लिए याद रखना है यहां पे सीईटी पॉइंट या फिर मार्जिन में लिख देना है वेक्टर पी दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम याद रखना फॉर्मूला इसके हिसाब से ये ये इसका फॉर्मूला आपने बोर्ड्स के बुक में नहीं दिया है लेकिन सीईटी के लिए याद रखना है तो इसका ऐसा यूनिट बता दो तो क्या है इसका क्या था कुलम मीटर वॉल्यूम का क्या है मीटर क्यूब मीटर कैंसिल हुआ मीटर स्क्वायर कर दिया तो कूलम पर मीटर स्क्वायर स्क्वे ऐसा ऐसा स्क्वायर हाँ ये, हा, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है वेक्टर पी इज इक्वल टू डैश वेक्टर ही डैश इसको इसको पढ़ते काय ओके, का ओके ये ससेप्टिबिलिटी बोलते बोलते हैं हैं। इसको, इसको इसको। इसको हम लोग ओके, वो मीडियम की प्रॉपर्टी अभी याद रखो इसको. इसको अपन अगले स्लाइड में पढ़ेंगे एक क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। अभी सिर्फ याद रखना इसको ड्रॉ करते वक्त देखो, एग्जाम में ड्रॉ करते वक्त हाँ ड्रॉ करना बड़ा दिक्कत होता है ग्रीक लेटर्स को ना ऐसा ऐसा है ना जो लोग कर्फ्यू बनाते थे उनको इजी है ना जो लोग सीधा लिखते थे उनको थोड़ा तकलीफ जाएगा है ना <laughs> ठीक है तो ये लिखा सबने हाँ ओके okay. अरे भाई सब क्या, क्या हो गया चलो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी अ क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक यानी वो डायलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर वो कितने अच्छे से पोलराइज हो सकता है इसको हिंदी में समझना देखो हिंदी में समझो वो कितने अच्छे से सब्सेंसराइज हो सकता है या वो अच्छा पोलराइज हो सकता है या नहीं हो सकता है ये क्वांटिटी जो बताएगी उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इसका एक काम करना डिक्शनरी में, में मीनिंग जाके सर्च करना तुमको ध्यान में आ जाएगा ओके ससेप्टिबल है ना हिंदी मराठी मतलब इंग्लिश हिंदी या फिर इंग्लिश मराठी वाले में सर्च करो बड़ा इंटरेस्टिंग ये मिलेगा इसका मीनिंग तुमको तुमको ध्यान में आ जाएगा वैसे तो मैंने हिंदी में बताया कि कोई भी कितने अच्छे से पोलराइज हो सकता है कि नहीं ये क्वांटिटी जो बताएगी उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इट इज डिनोटेड बाई को एक बात बताओ काई का यूनिट क्या आएगा काई ई का यूनिट जो आएगा वो पी बाई का आएगा पी का यूनिट क्या, क्या, यूनिट क्या है कूलम पर मीटर स्क्वायर और इसका क्या है न्यूटन पर कूलम है ना कूलम इट इज कॉन्स्टेंट फॉर गिवन डायलेक्ट्रिक एंड हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट डायलेक्ट्रिक है ना कोई भी गिवन डायलेक्ट्रिक के लिए इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगा जैसे पूरे दुनिया में वुड कांस्टेंट का है ओके पूरे दुनिया में वाटर का काय कांस्टेंट है लेकिन वाटर का जो काय है और जो वुड का काय है ससेप्टिबिलिटी है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वो अलग अलग है ओके क्लियर विद दिस अलग अलग है वाटर के लिए अलग वुड के लिए अलग माइका के लिए अलग वैक्स के लिए अलग सबके लिए अलग ठीक है फॉर वैक्यूम इट इज जीरो हाँ मैं खास करके ये पॉइंट स्ट्रेस करने बोलूंगा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट वाटर के लिए ससेप्टिबिलिटी हमेशा जीरो होती है ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था डायलेक्ट्रिक के प्रकार कितने थे दो पहला पोलर डायलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक अब एक काम करेंगे अगर, के लिए आया, तो इधर तो के पॉइंट्स लिख लेना है उप और नॉन पोलर के लिए आए तो ये पॉइंट्स लिख देना है ओके सबसे पहला पॉइंट आर पोलर डायलेक्ट्रिक अ डायलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास क्या बेटा सेंटर ऑफ मास काय का पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स का डज नॉट कोइंसाइड सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बिकॉज कारण असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ओके असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से तो उसको हम लोग क्या कहेंगे उन तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक यानी याद रखो कैसा मैं समझाता हूं देखो क्या होता है कुछ मॉलिक्यूल्स में अब हमको मालूम है एटम के अंदर ये पॉजिटिव होता है सब और ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और भाई साहब पहले इसमें अपन ने दो चार बना दिए थे तीन बना दिए थे हाँ दो ही रहते हैं ना पहले वाले में और दूसरे पहले वाले में छोटी जगह हो गई बहुत ठीक है समझ रहे हो ये इलेक्ट्रॉन से अब सारे न, आ, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है अब ऐसा हो सकता है कि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अब सेंटर ऑफ मास जो है इनका सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट किया तो वो कहीं और आया वो कहीं और आया ओके okay? तो अगर वो कहीं और आता है मतलब कोइंसाइड नहीं होता है दे डू नॉट कोइंसाइड पॉजिटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास अलग इलेक्ट्रॉन्स का यानी नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास अलग पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास अलग नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास अलग यानी कोइंसाइड नहीं हो रहा है डज नॉट कोइनसाइड

जहां पे पॉजिटिव वहीं निगेटिव है ना अब एक काम करेंगे ये रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंटेशन इनका रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऐसा है और इनका रिप्रेजेंटेशन प्लस माइनस अब प्लस माइनस यानी एक के ऊपर एक है वो कोइंसाइड हुए इसलिए प्लस और माइनस माइनस भी यही है एक्चुअली लेकिन माइनस यहां पर तो समझेगा नहीं इसलिए माइनस और ये ऐसा ऐसा बनाया और ये अलग-अलग हैं इसलिए हम लोगों ने इसको

क्लियर विद समझ आया सबको हा ओके ना पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यह थेटिकल कंसेप्ट है इसको मैं समझाऊंगा बस और इसको एक्जेक्टली exactly तुमने बोर्ड्स के बुक में से लिख लेना है एक के नीचे एक पॉइंट्स में लेकिन वो पॉइंट्स क्या है मैं समझा देता हूं देखो अब यह एक स्लैब है डायलैक्ट्रिक का स्लैब है और कैसा है वो नॉन पोलर है नॉन पोलर यानी यह उसके मॉलिक्यूल्स है अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इलेक्ट्रिक है, है फील्ड नहीं लगाई अब जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो इसमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो इसका मतलब यहां पर सारे क्या रहे होंगे पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक होती है पॉजिटिव से निगेटिव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इसका मतलब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव तो क्या होगा इसके जो निगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो जो जहां है वो वहीं पे ऐसा बन जाएगा समझ में So, वो हो जाते हैं पोलराइज और उनमें क्या होता है एक डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं है वो नॉन जीरो हो जाती है लेकिन एक बात ध्यान में रखना अगर तुम इसको रिमूव कर देते हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इनकी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी वापस डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी ठीक है कितना आसान इसके लिए एक पैराग्राफ है इसके लिए एक पैराग्राफ है बोर्ड्स के बुक में से उसको तुरंत लिख लेना लेकिन पॉइंट वाइज लिखना है ना चलो आगे बढ़ते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक के लिए कैसा अब पोलर डायलेक्ट्रिक कैसा होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज तुमने नहीं लगाई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड है ऐसे तो ठीक है अब तुमने क्या किया इस स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में मतलब हम लोगों को पता है कि इस साइड में क्या रहेंगे साहब पॉजिटिव रहेंगे और इस साइड में साहब निगेटिव रहेंगे ठीक है अभी क्या होगा इन सबके निगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव इस साइड में ये इधर अट्रैक्ट होगा ये इधर अट्रैक्ट होगा ये इधर अट्रैक्ट होगा ये इधर अट्रैक्ट होगा ये भी इधर अट्रैक्ट होगा तो सब ये अलाइंड हो जाएंगे ऐसे अब बोर हो गया मैं हाँ ठीक है लास्ट <laughs> तो ये इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे ओके हाँ और अब इनमें ऑलरेडी डायपोल मोमेंट बहुत छोटी होती है टेन टू द पावर माइनस थर्टी कुलमीटर की होती है अब यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगी ओके हाँ अब इनमें जो डायपोल मोमेंट आएंगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी ये बड़े इंपॉर्टेंट है

जो क्या कर रहा है जो रैंडमाइज कर रहा है अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल डायपोल का जो अलाइनमेंट है वो रैंडम बना के रखा था ना तो किसके वजह से हुआ था उनके अंदर के थर्मल एनर्जी की वजह से तो जो पोलराइजेशन आने वाला है उन मॉलिक्यूल्स में अभी पोलराइजेशन आया था तुमने देखा था वो अलाइन हो गए अलाइन हो गए मतलब क्या आ गया उनमें पोलराइजेशन आ गया तो ये पोलराइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है तुमने फील्ड कितनी अप्लाई कर रहा? और थर्मल एनर्जी दो फैक्टर्स इतना भी याद रखा तो भी चलेगा द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द थर्मल एनर्जी दायपुर ओके लास्ट टॉपिक आज का इस इस टॉप मतलब डायलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन का वो ये है कि रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक। ठीक है बहुत आसानी है बहुत आसान अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया तो क्या हुआ कि निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से अलाइन हो गए ठीक <laughs> है अब देखो यहां पे थोड़ा ध्यान देना लास्ट पार्ट है ये आज का इस लेक्चर का अब तुम देख रहे हो कि सारे इस साइड में पॉजिटिव चार्जेस हैं और सारे इस साइड में नेगेटिव चार्जेस हैं मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन ने अप्लाई करी थी वो बाहर में इस डायरेक्शन में थी और अंदर में इधर इंड्यूस हो गए कुछ चार्जेस और इधर कुछ इंड्यूस हो गए चार्जेस इनको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस क्या नाम बोलेंगे हम लोग इसको इंड्यूस्ड चार्जेस अब इंड्यूस्ड चार्जेस कैसे थे राइट right में पॉजिटिव लेफ्ट में निगेटिव मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि इंड्यूस्ड चार्जेस के डायरेक्शन ऐसी थी और तो फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेंगी सॉरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी थी क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव होती है है ना है ना तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो ई नॉट अपोजिट आई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई नेट यानी ए डैश दैट इज इक्वल टू ए माइनस इ नॉट तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई यहां से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस ई नॉट माइनस हुआ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से माइनस होगी मतलब क्या हुआ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रिडक्शन क्यों हुआ चार्जेस के ऐसे होने की वजह से और चार्जेस के ऐसे होने को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं उसको पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सभी को समझ में आया कंसेप्ट बड़ा आसान कंसेप्ट है तो ये कंसेप्ट को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है और यहां पे हमारा डायलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर्स का पार्ट चालू करेंगे ओके दैट्स इट